मैंने बोला आप क्या पागल पागल है, तो मैं भी चले गया भाई ट्विटर के ऊपर। बड़ी अच्छी खासी बहसबाजी हुई थी भाई। काट लिया। तो जा रहे हैं इंसान बनाने के लिए, अभी ये बने हुए हैं फुल जानवर। कैटरीना कैफ की तरह से बात करवाऊंगा, फुल बॉब कटिंग। अहमद की मिस ने अहमद को 15 दिन का टाइम दिया था। नसीब में खुआरी लिखी हुई है मेरे भाई, मैंने खुद लिखवा ली, पता नहीं क्यों। Assalamualaikum guys, welcome back to our new vlog. Guys, अहमद के लेके स्कूल से मैं आ गया हूँ। तकरीबन 1:30 होता जा रहा है, जुम्मे की नमाज का टाइम हुआ चला जाता है और अहमद साहब और मैं जा रहे हैं इस वक्त जुम्मे की नमाज पढ़ने। लेकिन पहले अहमद को लग रही है भूख, अहमद करेगा नाश्ता। तो सो गाइस, आज मैं अहमद को स्कूल में लेने गया ना यार, तो आज एक मेरे साथ सीन हो गया। सीन क्या हो गया, हमारा स्कूल में लाइन लगती है बड़ी लंबी चौड़ी ना, हम बैठे बिल्कुल आखिरी नंबर पर, हमारा नंबर था बिल्कुल आखिरी। अचानक से अहमद और अहमद के दोस्त अब्दुल्ला ने वो आ गए गेट पे। मिस ने रोक लिया कि भाई आप बिना नाम कॉल करे कैसे आ गए। तो हमारे ब्लेम डालनी, उल्टा हमारे ब्लेम डालनी कि अल्लाह ना करे अगर कुछ हुआ तो हम आप पे ब्लेम डालेंगे। मैंने बोला आप क्या पागल हो गए, अंदर टीचर बैठी हुई है क्लास के अंदर, जब उनको नाम की आवाज नहीं आ रही तो बच्चा आया कैसे। बच्चा तो अंदर से आया ना, मैं तो अपनी लाइन में बैठा हुआ। तो भैया बड़ी लंबी चौड़ी उनसे बहस करी, तब जाके वो बड़ी मुश्किल से, वैसे मानता तो कोई भी नहीं अपनी गलती कि यार बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, अनाउंसमेंट की आवाज क्लास में आ रही है। तो अंदर जो टीचर बैठी, जब तक बच्चे का नाम ना, जब तक बच्चे को बाहर ना भेजा ना, बच्चा आया कैसे। जब मैंने नाम कॉल नहीं करवाई तो उन्होंने भेजा कैसे। तो मैं भी चढ़ गया भाई टीचर के ऊपर, बड़ी अच्छी खासी बहसबाजी हुई थी भाई। लेकिन अहमद अब जो है ना, मैं जब तक मैं वहाँ नाम कॉल नहीं करूँ ना, जब तक अब्दुल्ला के चक्कर में नहीं आना, ठीक है। इसका दोस्त अब्दुल्ला, हाँ चलो खैर है, एक दफ़ा तो होता चलता है। स्कूल में ना ऐसे फन ऐसे चिल होते रहते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, समझ रहे हो। स्कूल में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जब तक बाबा नजर ना आए, कोई जानने वाला नजर ना आए, जब तक किसी के साथ नहीं जाना कभी भी, ठीक है। जैसे तुम्हें मैं कभी लेने नहीं आया, मम्मा आ गई या कोई और जैसे जिसको तुम जानते हो, तो उसके साथ जाना, अदरवाइज किसी अननोन बंदे के साथ नहीं जाना। ओके बात ठीक है, डन हो गया, ये बात ध्यान में रखना हमेशा, और मेरा मोबाइल नंबर घर का नंबर हमेशा याद रखना। तो सो गाइस, ये बड़ा सीन हुआ स्कूल में यार आज। खैर सब देख रहे थे, बहरहाल हमारी गलती नहीं, मिस की गलती, और उन्होंने भेजा क्यों उसको। एनीवेज घर आगे अहमद को नाश्ता वास्ता देते हैं यार। हेरा आज सुबह 7 बजे सोइए, अपना एडिटिंग करके सुबह 7 बजे सोइए एडिटिंग करके यार। बहरहाल अहमद को भी नाश्ता वास्ता दे दूँ मैं ज़रा, ये मैं खोल रहा हूँ। अहमद की मैंने चाय वाय तो गर्म करने रख दी, चाय तो बेचारी बना के सोई थी, और हाँ उबाल आ गई चाय में। तो गाइस पहले अहमद को दूँ नाश्ता, उसके बाद नमाज का टाइम हो जाएगा, नमाज पढ़ने चले जाऊँगा मैं। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। अहमद का नाश्ता लेकर आ गया हूँ, तो मैंने सोचा भाई हाथों हाथ मैं भी नाश्ता कर लूँ। आज मैं लेकर आ गया था पठान के पराठे भाई, बहुत दिल चाह रहा था, रोज़ाना केकर और सब बन डबल रोटी खा खा के ना हम लोग थक गए थे भाई, और घर के पराठे नहीं खाए जाते यार, पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को। तो बहरहाल अहमद बात सुनो, सुस्त आदमी, आज सो जाना जल्दी और बाल कटवाने चलते हैं नमाज के बाद, ठीक है। तो भाई पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद चलते हैं नमाज पढ़ने। इस नमाज का टाइम हो गया यार, एक अजान हो गई है मेरे ख्याल से, अरबी खुतबे वाली अजान हो गई है, और अजान नमाज दो अजानें होती हैं यार, एक अजान हो गई है एक होने वाली है। तो इससे पहले के भाई वो सेकेंड अजान भी हो, तो भाई चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अहमद साहब नहीं जा रहे, अहमद साहब कह रहे हैं बाबा मैं आज थका हुआ हूँ यार, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बस यानी कि रीज़न दे रहा है वो। तो बाहर मैं ही चलता हूँ भाई नमाज के लिए, वही जा रहा हूँ नमाज नमाज पढ़ने, चलता हूँ आप लोग थोड़ी देर के बाद। A few moments later. तो गाइस आ गए नमाज पढ़ के, मैंने जुमे की नहीं क्या मामला है, मुस्तफ़ा उठा नहीं उठा यार, कोई काम है आज या नहीं है। ऐसा तो कोई काम है नहीं, लेकिन मुझे मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना मोबाइल दिया हुआ सही होने के लिए, तो भाई वो मोबाइल सही नहीं हुआ, उसके लिए मुझे शायद सरीना जाना पड़ेगा। अहमद साहब अभी तक टीवी देख रहे हैं, वैसे बोल रहे थे कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। गुड्डा उठ गया, गुड्डा उठ गया मेरा है। मुस्तफ़ा साहब की भी मॉर्निंग हो गई है, मुस्तफ़ा साहब की मॉर्निंग हो गई है, अभी पता नहीं इनकी मामा की मॉर्निंग हुई है नहीं, देखता हूँ मैं। तो वैसे मिलता हूँ आप लोग थोड़ी देर के बाद। इस वक्त टाइम हो गया है अहमद साहब के बाल कटवाने का, और मैं जा रहा हूँ अहमद को दिखा जरा। तो गाइस इसको जा रहे हैं इंसान बनाने के लिए, अभी ये बने हुए हैं फुल जानवर, और ये पता है मैं आपको बताऊं ये इसकी सुस्त हालत क्यों हो रही है, मैं आपको बताऊं, यकीन माने ये सुनता नहीं हम लोगों की। मैंने सोचा रात से बोल रहा हूँ, सोचा रात को, कल 2 बजे 2:30 बजे सोया है और सुबह 6 बजे उठ गया था स्कूल जाने के लिए। तो आप खुद बताएं, एक बच्चा 2:30 बजे सो रहा है और सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, तो क्या खाक उसकी नींद पूरी होगी। लाइटें बंद करो यार, बिल बहुत आ रहा है। तो
मुबारक चले भाई, इसके बाल कटवाते हैं फिर ये नहाएगा धोएगा और तुम आके भी सो जाने दो, मैं बता रहा हूँ मैं क्लियरली, समझ रहे हो हैं? हाँ मैं इससे फुल कटवाऊंगा, ऐश्वर्या की तरह बाल कटवाऊंगा, सही है, बल्कि कैटरीना कैफ की तरह से बाल कटवाऊंगा, फुल बॉब कटिंग। चल भाई हैं, हाँ मैं इसको लेके जा रहा हूँ वहाँ पे काशीश के पास लेके जा रहा हूँ बाल। चल भाई जा रहा हूँ बाल कटवाने, आता हूँ थोड़ी देर के बाद। अहमद के बाल कटवाने आ गए भाई, और अहमद साहब नीनो में टन है भाई, बाल इसके अच्छे काटी यार, साइडों से छोटे, पीछे से छोटे और आगे से कम छोटे। A few moments later. तो भाई अहमद के बाल कट गए भाई, और अहमद साहब बिल्कुल इंसान की औलाद दिखाना भाई। अब सही है आपने। अच्छा मैं आपको एक बार बताना भूल गया था, अहमद की मिस ने ना अहमद को 15 दिन का टाइम दिया था कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर तुम बाल कटवा के लेकर आ जाना, और बाकी बच्चों को 1 हफ्ते का टाइम दिया था। मेरे ख्याल से अहमद के सबसे कम बड़े हुए थे, इस वजह से उसको 15 दिन का टाइम दिया था भाई। तो अहमद साहब 15 दिन से पहले पहले तुम्हारे बाल कटे हैं, ये देखें अब इसकी हीरोगिरी शुरू हो गई बस। और जाके नहा लेना जरा आपस समझ आई है, पता है ना। तो भाई बाल बाल कट गए, निकलते हैं घर की तरफ, और मिलता हूँ आपसे घर पर चलते। One eternity later. So welcome back guys. Welcome back हो गया भाई, अहमद साहब के बाल को कटवा के मैं लेकर आ गया हूँ। मैं चला गया था किसी काम से, अहमद साहब नहा धो के फारिग होके इधर बैठ गए, लेकिन नहाने धोने के बाद भी एक इंसान मैला का मैला ही लगता है भाई। दिखाओ अब बाल, ये कैसे पहन लिया सर, ये देखे भाई नहा लिए, तो देखो तुम्हारी कितनी बुरी पेंसिल लगी थी, देखो निशान कैसा बुरा बन गया यहाँ पे। जरा भाई देखभाल के किया करो चीजें, समझ आई? बाल दिखाओ, छोड़ो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे दिखाओ। ये भाई अहमद साहब माशाल्लाह से, अहमद साहब की मिस को, मिस ने जो 15 दिन का टाइम दिया था, हमने 1 हफ्ते के अंदर अंदर अहमद के बाल कटवा के अहमद को फारिग कर दिया। अब हम दिखाते हैं अपने पांडे को, इधर आओ उसके बाल चेक करें, वहीद मुराद की तरह है, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये देखें भाई, ये देखें हमारे बच्चे के बाल, ये इसकी बड़ी यार बड़ी बड़ी मजेदार शरारतें होती हैं इसकी। ये देखें ये है बेहुदा हरकत है भाई, सोने चले जल है मुस्तफा ने खाना खा लिया, आ जाओ उसको तंग करते हैं। मुस्तफा ने खाना खा लिया, मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाओ दिखाओ भाई मुस्तफा के बाल चेक करें आप। माशाल्लाह हमने अहमद के आपको बाल दिखाया, ये देखिए हमारा वहीद मुराद, ये हरकत है। मुस्तफा बोलो हैप्पी बर्थडे, कल इसने हैप्पी बर्थडे बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू है, बोलो ना, इधर देखो, इधर देखो, हैप्पी बर्थडे टू यू। पीछे से बाल चेक करें भाई के, पीछे से फुल हौसला बना हुआ है, और आगे से ओ मोबाइल रिमोट नहीं मार देना खींच के, गुस्सा चेक करें, गुस्सा चेक करें भाई, इसकी फेवरेट कार है यार, ये सारा वक्त इस कार के ऊपर गुजारता है। मैं सोच रहा हूँ मुस्तफ़ा को 24 आवर ये वाली कार का चैलेंज करवा दें, है मुस्तफ़ा 24 आवर इस कार में बैठ के तुम चैलेंज कर सकते हो है भाई साहब। अरे इधर रुक जाओ, जरा पकड़ इसको अहमद, शाबाश तोड़ दो बेटा, तोड़ दो शाबाश, विलिया नहीं मारो इस पर, खुदा का खौफ करो, बच्चे की साइकिल है, रखो अहमद टूट जाएगी यार। मुस्तफा हैप्पी बर्थडे भाई, गाइस मुस्तफा की नेक्स्ट मंथ बर्थडे आने वाली है इंशाल्लाह, तो हम इसको सिखा रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, इधर आओ, इधर आओ मुस्तफा, यार कुछ तो बोल ले माँ। अच्छा अहमद और मुस्तफा की लड़ाई करवाते हैं, चलो आओ मुस्तफा भाई से लड़ाई भाई से लड़ाई, अहमद और मुस्तफा की लड़ाई हम करवा रहे हैं, दोनों की लड़ाई। अब ऐसे भी ओ काट लिया भाई, काट लिया, शाबाश मुस्तफा विन होने वाला था लेकिन बचत हो गई, ऐसा जोर से काटता बॉडी निकाल लेता भाई ये है। ये सांप नागिन डांस हो रहा, ऐसे नहीं, गला नहीं दबाना, ये चीज ऐसे फेंको, शाबाश। हाँ क्या हुआ भाई ने मारा है बाबा, भाग बच्चों की हरकतें सारा दिन चलते रहती हैं, ये रुकती नहीं है माशाल्लाह, 24 घंटे चलते रहती हैं। तो अभी खैर मैं किसी काम से यार बाहर जा रहा हूँ, जरूरी काम है गाइस, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद। अब क्या हुआ मुस्तफा के कपड़े जो है ना वो चेंज कराना, कौन लास्ट टाइम जो आप लेकर आए थे काफी बड़ा नहीं, कहाँ जाना है, कल जो जाना है शादी में, परसों भी यार हमारे खानदान में मेरे मामू की बेटी, मेरी कजन की शादी, हफ्ता इतवार दोनों दिन है, गए भी नहीं है यार, ये बड़ा चक्कर है भाई, हमारे खानदान में कोई शादी कोई तकरीब कुछ भी आ जाए, हमारे घर में बच्चों के कपड़ों के मसले पड़ जाते हैं, बड़े कपड़े ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, कपड़े दिखाओ कौन से कपड़े लेकर आया था, मैं तो भूल भी गया, याद भी नहीं मुझे तो भाई, हाँ दिखाओ, मैं तो मेरे तो जहन भी नहीं, अल्लाह करे वो शॉप वाले के दिमाग हो कि मैं कपड़े ले गया था उससे आता, वापसी ना करे, कौन से कपड़े दिखाओ यार, ये तो इतनी प्यारी शर्ट है,
हैं, ये तो इतनी खूबसूरत लग रही है यार, पहना के चेक करो उस पांडे को। हैं हाँ ये तो खैर बड़ी लग रही है, लेकिन ये चेक करते हैं वाली यार। इधर आओ अहमद, मेजर करो उसके, ऐसे करो दिखाओ, मेजर करो भाई। और ये तो घुटने भी लग रहे हैं, ये भी कर लो, इधर आ जाओ भाई। एक तो यकीन माने कहीं बैठता नहीं है, टिक के दिखाओ जरा, ये दिखाओ, गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया। अरे मेजर तो करवा ले मेरे भाई, जल्दी जल्दी हो गया हो गया यार, ये भी भाग गया यार, रुकता नहीं है यार ये, हो गए मेजर, हो गए चौधरी। हाँ भाई, तो भाई मैं जा रहा हूँ अभी शर्टें वगैरह वापसी कराने, और जो मुझे काम है वो काम भी करके आता हूँ। अल्लाह करे शर्टें वापस हो जाए भाई, उसको जा दो शॉप वाले को, हाँ यार मैं लेके गया था, एक दिन छुट्टी लेकर आनी है भाई। तो हाँ क्या करो 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 करो, रुक जा करो 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 करो, पीछे जाओ पीछे जाओ, वो नहीं रिमोट मारेगा, वो नहीं रिमोट नहीं, बढ़िया बढ़िया, आ जाओ छोड़ दो, आ जाओ। यार मैं जा रहा हूँ अभी मुस्तफ़ा की शर्टें वगैरह वापसी कराने के लिए, और जाते जाते अचानक अहमद साहब को याद आ गया पौधों को पानी डालना, तो मैं जल्दी ही डाल दूँ अहमद, फिर चलते हैं यार, सही है, आना जाना करना है, ठीक है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ शर्ट वापसी कराने, आता हूँ थोड़ी देर के बाद। A few moments later. बस हम आ गए भाई घर पे, शर्टें वगैरह वापस करवा के बच्चों की, और कुछ लेके भी आए हैं, अहमद की शर्ट और मुस्तफ़ा की एक्सचेंज करा के लेकर आ गए भाई। और अहमद साहब झंडियाँ लेके, इतनी छोटी छोटी सी झंडियाँ लेकर आया है अल्लाह का बंदा, छोटी छोटी झंडियाँ लेकर आ गया लगाने की, 14 अगस्त मनाएगा भाई ये। चलो खैर है भाई, आ गए भाई, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, मुँह हाथ धो लूँ जरा, पानी नहीं पी लूँ, बहुत प्यास लग रही भाई। आके बैठ गए भाई, और अहमद साहब चले गए ट्यूशन पढ़ने के लिए, और आपके भाई ने एक मजीद भंड मार दिया यार, नसीब में खुआरी लिखी हुई है मेरे भाई, मैंने खुद लिखवा ली, पता नहीं क्यों हुआ ये सीन भाई। मैं मुस्तफ़ा साहब की और अहमद साहब की टी शर्ट्स लेकर आया चेंज करा के, ये तो सही आ गई भाई ब्लैक वाली, लेकिन मसला सारा ये देखें, ये पहना हुआ है MOR AMOR, ये सेम लेकर आ गया, देखें यार मैं कैसा बेवकूफ़ आदमी हूँ यार, ये देखें पहना हुआ है। खैर और अहमद साहब की दो शर्ट लेकर आ गए थे, ये तो सही है चलो, लेकिन मुस्तफ़ा साहब की शर्ट भाई जो पहने हुए हैं वही लेकर आ गया यार, अब इसको चेंज कराने जाना पड़ेगा भाई को, यार मैं ख्वार आदमी हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है यार। तो बाहर आप चेंज करवाने जाऊँगा अभी, तो इसको बना देना, एक काम करना, कभी ये फालतू बैठा हुआ ना कहीं नहीं रहा ना, पहना देना घर पर, खैर होती है, नहीं लेकर आ जाएंगे, सही है। ये देखें भाई, ये गुंडे हो ये भाई, ये पिस्तौल लेके घूम रहा है ए भाई जान, भाई साहब अब बोलो पीछे से बात चेक करें, ये ऐसा घोसला आप कहीं देखो, वो क्या घोसला आ रहा है यार, आगे से दिखाओ, हैं नहीं भाई आगे से नहीं आ रहा। तो गाइस ये बात भाई, ये भंड हो गया भाई हमारे से, तो बस भारत मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद। गुस्सा नहीं मारी, खींच के नहीं मारी, ये गुस्सा आ गया भाई को, अब तमीज पकड़ देते बाबा बाबा बाबा, और मुझे लगा भी बताओ मुझे लगा बाबा है तो साले खेच खेच के मार रहा है, पकड़ इसको बताऊंगा भी मारूंगा, ऐसे मारता हूँ मैं बच्चों को, इस तरह मारता हूँ, मारूंगा तेरे को, हैं बदतमीजी करता हूँ, अभी बंद करता हूँ स्टोर में गधा, ये भी बताता हूँ तुझे, ये भाई खेच खेच के मार देता है, कुछ भी इसके हाथ में होता ना ये देख के मार देता क्या बात का, हमारे सरों पे लगता है, बाद हमारे मुंह पे लगता है, तो ये हरकतें करता रहता है सारा सारा दिन भाई। तो गाइस एनीवेज असर की अजान हो गई है गाइस, नमाज पढ़ता हूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों से बाद में। 2000 years later. वेलकम बैक गाइस, यार बहुत देर के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं असर की नमाज पढ़ने के बाद किसी काम से चला गया था बड़े जरूरी, और गया भी मैं बहुत दूर था, और बाइक का ट्रैवल करते करते आपको पता है कराची जैसे शहर में बाइक पे तो इंसान थक जाता है, वापस घर आया तो भाई मेरी हिम्मत ही नहीं हुई यार वीडियो शूट करने की, तो अभी भी गाइस इतना थक गया हूँ यार, नींद शदीद आ रही है मुझे, क्योंकि पूरे हफ्ते की थकान है, अहमद को छोड़ना लाना ले जाना, फिर ऑफिस से काम घर के काम, इतनी थकान हो रही है कि पूरा जिस्म टूट रहा दिल जा रहा है, मैं बिस्तर पर जाकर सो जाऊँगा गाइस। तो भारत यार आज जो 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 ब्लॉग था भाई वो मैंने शूट करा जितना हो सका मुझसे गाइस, तो भाई मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ गाइस, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लेना, सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, तो मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।